नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत अमेठी से करेंगे, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। खुले में फेंकी ग्लूकोज की बोतल, तो ये तस्वीरें भी आई है जहां पर बंदर ये ग्लूकोज की बोतल पी रहे हैं। एक्शन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। लापरवाह स्वास्थ्य विभाग, मरीजों के इलाज में उपयोग ना कर खुले में फेंकी ग्लूकोज की बोतल, बंदर का ग्लूकोज पीने का वीडियो ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिम्मेदारों की लापरवाही बेजुबानों की जान पर भारी पड़ सकती है। जो जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर का ये वीडियो वायरल हो रहा है, और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हंसराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हंसराज, एक बड़ी लापरवाही अस्पताल प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रही है। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के ऊपर स्वास्थ्य विभाग जैसी बड़ी जिम्मेदारी और लगातार प्रदेश के जनपदों में स्वास्थ्य विभाग का दौरा भी कर रहे हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग की कमियों की लग को लगातार दूर करने का प्रयास भी कर रहे हैं। जिस तरह से डिप्टी सीएम एक आम आदमी की तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंच रहे हैं और आम आदमी की तरह पर्ची कटवा करके लाइन में लग करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और स्वास्थ्य महकमे स्वस्थ रखने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में डिप्टी सीएम को एक बार अमेठी भी आना चाहिए और अमेठी के स्वास्थ्य महकमे का निरीक्षण भी करना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर स्वास्थ्य महकमा पटरी पर आ सके। फिलहाल हम आपको बता दें कि ये वीडियो जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य के परिसर का बताया जा रहा है जी, जिसमें अनबोलता प्राणी जो कि बंदर ग्लूकोज की बोतल को मुंह में लगाकर लगातार उसे पी रहा है। फिलहाल ग्लूकोज की बोतल जो है कैसी भी हो, क्यों कैसी भी ना हो, लेकिन इस तरह से उसे खुले में फेंकना कहाँ का नियम है, और इस तरह बंदरों जो कि बेजुबान है वो ग्लूकोज का बोतल पी रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य को हानिकारक भी हो सकता है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही है जो कि खुले में जो है और स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में ही ग्लूकोज का बोतल फेंकते हैं, जिससे कि जो जानवर है अनबोलता है वो नहीं जानते हैं और उसको पीते हैं या कि उसमें मुंह लगाते हैं तो उनको एक बड़ा नुकसान होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एक बहुत बड़ी लापरवाही है इसको जो है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ब्रजेश पाठक जी जो कि डिप्टी सीएम जी है, उनको एक बार अमेठी जरूर आना चाहिए और यहाँ के स्वास्थ्य महकमे का हालचाल जरूर जानना चाहिए। ठीक है हंसराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड का 3 दिनों का दौरा है, थोड़ी देर में उत्तराखंड के लिए रवाना होंगे। योगी महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे वहां पर। वहीं पौड़ी गढ़वाल के बिथियानी गांव में कार्यक्रम है, अपने पैतृक गांव पंचूर भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, अपने परिवार वालों से वहां पर मुलाकात करने का कार्यक्रम है। वहीं सीएम धामी समेत कई मंत्री इस दौरान मौजूद होंगे। तो 3 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। कुछ ही देर में वो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जाएंगे, जहां पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। वहीं महंत अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण भी करना है और इसके साथ ही साथ अपने परिवार वालों से भी मुलाकात करेंगे। पंचूर गांव जाएंगे, अपनी मां से मुलाकात करेंगे और बेहद खास तस्वीरें देखने को मिलेगी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है सीएम योगी आदित्यनाथ अपने घर नहीं जाते हैं। वहां कई बार उनके परिवार वालों की तरफ से भी कहा गया, मुलाकात करने की बात कही गई। तो आज की तस्वीरें अहम रहने वाली है, 3 दिनों तक क्या कुछ तमाम दौरा रहेगा वो देखने वाली बात होगी। तो 3 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड पहुंचेंगे, सबसे पहले वो हरिद्वार पहुंचेंगे और इसको लेकर तमाम इंतजाम भी किए गए हैं। तो वहीं सीएम धामी समेत कई मंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कितनी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के लिए निकलेंगे, क्या कुछ तमाम कार्यक्रम है?
बिल्कुल, उत्तराखंड दौरे पर मुख्यमंत्री इस बार जा रहे हैं और काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग 2-5 साल के बाद लगभग उनका दौरा हो रहा है, जिसमें बतौर वो अपने घर जाएंगे। निश्चित तौर पर 2017 आखिरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने घर गए हुए थे, अपने परिजनों से मिले थे। उसके बाद हाल ही में पिछले कोविड के टाइम पर उनके पिताजी का देहांत भी हुआ था, लेकिन वो घर नहीं जा पाए क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं थी और उत्तर प्रदेश में उनके मुखिया की जरूरत थी। निश्चित तौर पर उन्होंने उसकी जिम्मेदारी निभाई और एक कहीं ना कहीं एक बेटे का जो जिम्मेदारी थी उसका त्याग किया। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा 3 दिवसीय है, शाम को आज जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के लिए रवाना होंगे। निश्चित तौर पर 3, 4 और 5 मई को उत्तराखंड में ही रहेंगे। जो इसमें कार्यक्रम की बात करें तो यमकेश्वर गुरुदेव अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण जो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि जो अवैधनाथ थे वो योगी आदित्यनाथ के गुरु हैं, जिनका चाहे गोरखनाथ मंदिर हो चाहे अन्य जगह पर जहां पर भी मंदिर है गोरखनाथ पीठ के, तो वहां पर इनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाता है। निश्चित तौर पर एक अनावरण का कार्यक्रम है। इसके बाद 4 मई को जो सीएम है, सबसे जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका इंतजार परिजनों को लंबे समय से था कि कब योगी आदित्यनाथ जो हैं वो घर आएंगे। निश्चित तौर पर 4 तारीख का कार्यक्रम है, पंचूर जो उनका पैतृक गांव है वहां पहुंचने का कार्यक्रम है। वहां पर अपनी मां से मुलाकात करेंगे, अपने परिजनों से मुलाकात करेंगे। निश्चित तौर पर काफी लंबे अरसे से उत्तराखंड के लोग, जो उनका गाँव है वहां के लोग और परिजन इंतजार कर रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो कब उत्तराखंड आएंगे। निश्चित तौर पर अब उनकी मुराद पूरी होने जा रही है। वो एक पारिवारिक कार्यक्रम है 4 मई को ही, जिसमें मुख्यमंत्री भी सम्मिलित होंगे, अपने परिजनों के साथ रहेंगे। उसके अलावा 5 मई को जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है वो हरिद्वार पहुंचने का, हरिद्वार में एक होटल है जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। जो यूपी सरकार द्वारा बनाया गया है इस होटल, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। इसके साथ ही साथ तमाम अन्य कार्यक्रम है, जिसमें अभी जो तमाम संपत्तियां हस्तांतरित हुई थी, बंटवारा जिनका हुआ था उसमें तमाम जो संपत्तियां अभी भी एक दूसरे को देनी, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड को, उनको लेकर के भी चर्चा होगी। देने का एक होटल है अलकनंदा, जो उत्तराखंड के हिस्से में आया था, वो जो है हैंड ओवर किया जाएगा उत्तराखंड को। निश्चित तौर पर उस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों लोग मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश से अलग होकर राज्य बना है, तमाम पहले भी इसको लेकर के बैठकें हो चुकी है, सपा सरकार में भी हुई थी, बसपा सरकार में हुई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में सरकार एक जैसी ना होने की वजह से जो परिसंपत्तियां थी उनका बंटवारा नहीं हो पा रहा था। लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में दोनों में भाजपा शासित राज्य हैं, दोनों में भाजपा की सरकार है, जिससे आसानी से जो संपत्तियां थी उनका बंटवारा हो गया। तमाम जो महत्वपूर्ण संपत्तियां थे उत्तर प्रदेश के हिस्से में आई और तमाम जो संपत्तियां थी उत्तराखंड के हिस्से में आई। निश्चित तौर पर इन तमाम चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री का दौरा रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण जो रहेगा वो परिजनों से मुलाकात का। जी ठीक है अश्विनी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। तो वही बात करेंगे जहां सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की, राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार मुलाकात की है। वहीं जय सोमनाथ नामक पुस्तक सीएम ने राज्यपाल को भेंट की है। तो राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से ये शिष्टाचार मुलाकात देखने को मिली। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से सीएम योगी आदित्यनाथ मिलने पहुंचे, शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है। और इस दौरान जय सोमनाथ नामक पुस्तक राज्यपाल को भेंट की। बढ़ते आगे, एलडीए के पूर्व वीसी के खिलाफ ईडी की जांच शुरू हो गई है। पूर्व वीसी सत्येंद्र सिंह यादव के खिलाफ ईडी ने शुरू की है जांच। घोटाले और संपत्तियों में फर्जीवाड़े के मामले में कसा है शिकंजा। वहीं सत्येंद्र सिंह 2014 से मार्च 2017 तक एलडीए के वीसी रहे थे और इस दौरान उनके पास लखनऊ डीएम की भी जिम्मेदारी थी। सत्येंद्र सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच पहले से ही चल रही थी और एलडीए में तैनाती के दौरान अनियमितताओं का आरोप लगा था। तो ईडी ने एलडीए को पत्र लिखकर तैनाती के समय के दस्तावेज मांगे हैं। सत्येंद्र सिंह ने वीसी रहते 400 भूखंडों का किया था वही समायोजन। जेपी सेंटर घपले में भी आरोपी हैं पूर्व वीसी सत्येंद्र सिंह। तो ईडी की ये कार्रवाई की जा रही है। ईडी ने एलडीए को पत्र लिखकर तैनाती समय के दस्तावेज भी मांगे हैं। तो सत्येंद्र सिंह ने वीसी रहते 400 भूखंडों को किया था समायोजन।
अश्विनी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अश्विनी, इस पूरी खबर पर क्या कुछ अपडेट मिल रही है? बिल्कुल, 2014 से लेकर के 2017 तक सत्येंद्र कुमार जो हैं वो एलडीए के वीसी रहे थे, साथ ही साथ जो है डीएम लखनऊ का भी चार्ज रहा था। उस दौरान तमाम ऐसे फैसले लिए जो आज कहीं ना कहीं उनके लिए सरदर्द बन गए। तमाम जब जांचें शुरू हुई तो तमाम जो फैसले थे वो गलत साबित हुए। निश्चित तौर पर इसको लेकर के पहले तो सीबीआई जाँच शुरू हुई और अब ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। 2014 से 2017 के बीच जब तत्कालीन वो एलडीए वीसी रहे थे, उस दौरान ऐसे कुछ फैसले लिए थे जो कहीं ना कहीं देश के हित में, जनता के हित में नहीं थे, जिसमें से कहीं ना कहीं जो है चार भूखंडों का जो है समायोजन किया था, जिसमें जो शिकायत मिली थी उसके बाद जांच हुई तो पाया गया कि इन्होंने बेतहाशा उसमें अनियमितता की। निश्चित तौर पर जो मानक थे उनके अनुसार मानक नहीं रखे गए। इसके अलावा और तमाम अन्य चीजें नहीं, पत्नी की संस्था थी उस पर भूखंड पास 186 भूखंड पास कर दिए। ओमैक सिटी है उसके अंदर पत्नी की सोसाइटी थी, उसका जो लैंडमार्क था उसको बदला गया और वहां पर 186 भूखंड का नक्शा इनकी शासन काल में पास हुआ। इसके अलावा जेपीएनआईसी जो है, जो चर्चा का विषय समाजवादी पार्टी के जो सरकार थी उसमें रहा था और आज भी है, क्योंकि आज तक वो शुरू नहीं हो पाया। निश्चित तौर पर उसमें तमाम जांचें चल रही थी जिसपे भी इनको दोषी पाया गया। इसके अलावा भी तमाम चीजें हैं जिनको लेकर के इनकी जांच चल रही है। में एक जो भू माफिया है लखनऊ का, उसको लगभग 2 अरब की जमीन थी जो उसके उसको दिलाने में इन्होंने काफी सहयोग किया गलत तरीके से, जिस पर भी जांच चल रही है। निश्चित तौर पर जो मकान था इनका, गोमती नगर क्षेत्र में मकान है, वहां पर बैंक और ATM खुला दिए जबकि वो एक आवासीय मकान था। इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जो है जिसको लेकर के ईडी जांच कर रही। ईडी ने जो वर्तमान के जो वीसी है एलडीए के, उनसे तमाम दस्तावेज मांगे हैं जिस दौरान सत्येंद्र सिंह एलडीए वीसी रहे थे लखनऊ में। निश्चित तौर पर उसको लेकर के जो है 15 दिन का समय दिया गया है, 15 दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट जो है वो जो है एलडीए वीसी को ईडी को सौंपनी होगी। इसके साथ ही साथ जो ईडी है वो संपत्तियों की जाँच करने में जुटी है कि कहीं कितना इनके पास संपत्ति है। निश्चित तौर पर सत्येंद्र सिंह काफी नाम वाले अधिकारी रहे थे, सपा सरकार में इनकी तूती बोलती थी, लेकिन जिस तरह से इन्होंने घोटाले किए, घपले किए, उनकी अब जांच जो है, जांच की आंच इन तक पहुंच रही है और लगातार जांच का सिलसिला जारी है और अब ईडी ने भी इन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। जी ठीक है अश्विनी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। तो वही इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां लखनऊ में लोहिया अस्पताल का तुगलकी फरमान देखने को मिला। अपनी नाकामियां छुपाने के लिए मीडिया पर लगाया बैन, लोहिया इमरजेंसी से मरीज प्राइवेट अस्पताल भेजे जाते हैं। दलाली भ्रष्टाचार के चलते सुर्खियों में है लोहिया संस्था। लोहिया के चिकित्सा अधीक्षक मीडिया पर लगा रहे हैं बैन, अस्पताल परिसर में कवरेज करने की लेनी होगी अनुमति। तो मीडिया को चिकित्सा अधीक्षक से लेनी होगी अनुमति। वही दलालों का अड्डा बन चुका है लोहिया अस्पताल। तो लगातार इसको लेकर मीडिया इस सुर्खियों में उठाती आई है कि किस तरीके से अस्पताल में दलालों का बोलबाला है। अस्पताल परिसर में कवरेज करने की अब अनुमति लेनी पड़ेगी। तो मीडिया को चिकित्सा अधीक्षक से लेनी होगी ये अनुमति। लगातार अश्विनी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, क्या कुछ इस पूरी खबर पर जानकारी मिल पा रही है? अगर हम कहें कि जो चिकित्सा अधीक्षक हैं वहाँ उनका जो मत है वो भ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि हाल ही में सोशल मीडिया पर जो डॉक्टर और दलाल के बीच की चैट वायरल हुई थी, जिसमें बकायदा डॉक्टर जो है सरकारी एम्बुलेंस को प्राइवेट अस्पताल ले जाने के अलॉट करने की बात हो रही थी, जिसके बाद कार्रवाई हालांकि निलंबित किया गया डॉक्टर को, लेकिन और इससे पहले भी इस तरह की तमाम चैट जो है वायरल हो चुकी है। तमाम जो आरोप लग चुके हैं दलालों के साथ जो है डॉक्टर के संबंध उजागर हो चुके हैं, इन सब पर कार्रवाई के बजाय उल्टा जो अधीक्षक है वहां के, उल्टा वो मीडिया पर कार्रवाई कर रहे हैं, उनको बैन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो अधीक्षक हैं चिकित्सा अधीक्षकों को भूल गए हैं कि वो संस्था सरकारी संस्थान है, उनकी निजी संपत्ति नहीं है, ना तो उनके पिता के द्वारा अर्जित की संपत्ति, ना उनके द्वारा संपत्ति की अर्जित की संपत्ति वो है जिस पर वो अधिकार हासिल कर दिखा रहे हैं। और मीडिया का काम है उजागर करना सच को। निश्चित तौर पर वही काम किया गया, तमाम अखबार तमाम चैनलों पर खबर चली, उसके बाद कार्रवाई तो हुई, लेकिन दिमाग इस तरीके से खराब हो गया जो डॉक्टर्स थे उनका,
जो अधीक्षक है उनका कि उन्होंने मीडिया पर बैन लगाया गया। आखिर मीडिया पर बैन क्यों लगाया है कि डॉक्टर्स आपके काम खराब काम कर रहे हैं, आप खराब काम कर रहे हैं, घपले आपके यहाँ हो रहे हैं, दलाल आपके संपर्क में है, तो इसमें मीडिया पर बैन क्यों? निश्चित तौर पर इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो कहीं ना कहीं जो तानाशाही रवैया है वो दिखाती है। निश्चित तौर पर ब्रजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ डिप्टी सीएम भी हैं, लेकिन कोई असर नहीं उनका है। वो सिर्फ दौरे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि अगर दौरे करते और कार्रवाई करते तो इतनी हिम्मत नहीं होती चिकित्सा अधीक्षक की इस तरह का आदेश तुगलकी फरमान नहीं करने का। निश्चित तौर पर ऐसे में जो मुख्यमंत्री है, जो चिकित्सा मंत्री है, उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर इस तरह का जो आदेश पारित क्यों किया, क्यों आखिर जो चिकित्सा अधीक्षक थे उन्होंने अपने कर्मचारियों पर कार्रवाई ना करके मीडिया को बैन किया। निश्चित तौर पर तमाम सवाल है, क्योंकि पहली बार नहीं, तमाम ऐसी शिकायतें आ चुकी हैं लोहिया अस्पताल की, जिस पर कार्रवाई भी पहले हालांकि हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जब अपराधी आप खुद हैं तो दूसरे को जो है सजा कैसे दे सकते हैं। निश्चित तौर पर अब देखना होगा जो आला अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो आखिर इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, चिकित्सा अधिकारी पर क्या कार्रवाई होती है इस तुगलकी फरमान जारी करने को लेकर। ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खबरों पर जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए मीडिया पर बैन लगाया है। लोहिया इमरजेंसी से मरीज प्राइवेट अस्पताल भेजे जा रहे थे और इसको लेकर मीडिया लगातार इस पूरे मामले को उठा रही थी, और इसको देखते हुए लोहिया संस्थान द्वारा, वहां के अधीक्षक द्वारा मीडिया पर बैन लगा दिया है। उन्होंने कहा है अगर मीडिया को अंदर आना है तो अधीक्षक से परमिशन लेनी होगी। तो देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है ईद का त्योहार। लोग ईद उल फितर की एक दूसरे को दे रहे हैं बधाई। मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। ईद पर जगह जगह दिया जा रहा है भाईचारे का पैगाम। दिल्ली के जामा मस्जिद में अदा की गई नमाज, तो वही ईद को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। शहर शहर पुलिस मुस्तैद है। यूपी के कई शहरों में ड्रोन से ईद की हो रही है निगरानी। वहीं रमजान महीने के आखिरी दिन मनाई जाती है ईद, तो आज पूरे देश में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है और इसी को लेकर लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, भाईचारे का पैगाम दे रहे हैं। जगह जगह ईदगाहों में तमाम तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया आपको दिखा रहा था कि किस तरीके से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं ईदगाह में। ये तस्वीरें आपको, 6 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, पहली आगरा की, दूसरी बुलंदशहर की, वहीं रामपुर की, बागपत की, सहारनपुर की और जौनपुर की। ये 6 तस्वीरें हैं जगह जगह की, शहरों की आपको तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया दिखा रहा है कि किस तरीके से आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और ईद को लेकर कितना उत्साहित है, ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त ईदगाहों में नमाज अदा की जा रही है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने ईदगाह पहुंचे हुए हैं। चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो, हर किसी में ईद का उत्साह देखने को मिल रहा है। हर कोई एक दूसरे को बधाई दे रहा है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं मेरठ। मेरठ की तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से वहां पर ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, किस तरीके से लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, लोग कितने उत्साहित हैं ईद त्यौहार को लेकर। तो वहीं प्रशासन की तरफ से बड़ी मुस्तैदी दिखाई जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि ये रात की तस्वीरें हैं जब प्रशासन की तरफ से जगह जगह मुस्तैदी की गई, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है कि किसी भी तरह से कोई भी अप्रिय घटना ना हो और प्रशासन की तरफ से हर तरह की मुस्तैदी हो। तो हर जगह का मुआयना किया गया, प्रशासन खुद पूरी जगह जाकर हर जगह को तसल्ली से देख रहा है, चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए है। ईद को लेके कोई गाइडलाइन, ईद की जो हमेशा से गाइडलाइन है उसका अनुपालन किया जा रहा है। जो भी ईदगाह कमेटी है, बाकी जो भी नागरिकगण है पूरे शहर के, उनकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी था ईद के मद्देनज़र, उनका निस्तारण किया गया और लगातार किया जा रहा है।
बाकी सभी लोगों से अपील की गई है कि जैसे अब तक आज तक शांति से हर त्यौहार यहाँ पे मनाया गया, आगे भी त्यौहार वो शांति से संपन्न हो। सभी मजिस्ट्रेट्स की, पुलिस की ड्यूटी ऑलरेडी इन प्लेस है। ईद को लेके कोई गाइडलाइन, ईद की जो हमेशा से गाइडलाइंस हैं उसका अनुपालन किया जा रहा है। जो भी ईदगाह कमेटी है, बाकी जो भी नागरिकगण है पूरे शहर के, उनकी जो भी समस्याएँ या जो भी था ईद के मद्देनज़र, उनका निस्तारण किया गया और लगातार किया जा रहा है। बाकी सभी लोगों से अपील की गई है कि जैसे अब तक आज तक शांति से हर त्यौहार यहाँ पे मनाया गया, आगे भी त्यौहार वो शांति से संपन्न हो। सभी मजिस्ट्रेट्स की, पुलिस की ड्यूटी ऑलरेडी इन प्लेस। तो और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेरठ से हमारे संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वहीं लखनऊ से नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे कि किस तरीके से आज के दिन को वहां पर ईद मनाया जा रहा है, किस तरीके से एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें हैं? देखिए, बिल्कुल अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो ईद का जो त्यौहार है मनाने के लिए लोग हैं ईदगाह पहुंचे हैं। तो यहाँ कुछ देर बाद जो है नमाज पढ़ी जाएगी। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें हैं ईदगाह के अंदर की, यहाँ पर लगातार जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं। कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ में जो गंगा जमुनी तहजीब के लिए राजधानी लखनऊ जाना जाता है, उसी के तहत जो है तमाम लोग देखे जा सकते हैं। ये ईदगाह का मैदान है जहाँ पर देख सकते हैं कि एक के बाद एक तमाम कतारों में लोग बैठे हुए हैं और अब से करीब 30 मिनट बाद यहाँ पर नमाज पढ़ी जाएगी। नमाज पढ़ने के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलेंगे, गले मिलकर ईद की बधाइयाँ देंगे और एक दूसरे के घर जाकर खुशियाँ बाँटेंगे। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में ईद का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की जो एडवाइजरी है उसका पालन भी किया जा रहा है। अगर हम यहाँ ईदगाह की बात करें तो ईदगाह में जो स्पीकर्स लगे हैं उस पर भी जो है मानकों के अनुसार जो है वो स्पीकर चलाए जा रहे हैं। उसके अलावा जो ईदगाह के अंदर की व्यवस्थाओं की बात करें तो देख सकते हैं कि ये मैदान है और मैदान के अंदर चूना डाला गया है ताकि एक कतार में लोग बैठकर नमाज पढ़ें। उसके अलावा अगर हम इस मैदान की बात करें तो इस मैदान की क्षमता करीब 5 लाख लोगों की है और 5 लाख लोग एक साथ यहां पर आकर नमाज अदा कर सकते हैं। तो ये व्यवस्थाएं लखनऊ के ईदगाह की हैं जहां अब से करीब आधे घंटे बाद ईद की जो नमाज है वो पढ़ी जाएगी। उसके अलावा अगर राजधानी के अलग अलग जगहों की बात करें तो अलग अलग जगहों में समय अलग अलग रखा गया। टीले वाली मस्जिद की बात करें तो 11 बजे वहां पर ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। बड़े इमामबाड़े की बात करें तो वहां का समय अलग है। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों की व्यवस्थाएं रखी गई है ताकि अलग अलग जगहों पर लोग जाकर ईद की नमाज पढ़ें, उसके बाद एक दूसरे से गले मिलकर ईद की जो खुशियाँ हैं वो बांटें। आपको मेरठ की भी तस्वीरें दिखाते हैं जहां से हमारे साथ अतुल शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अतुल, मेरठ की क्या कुछ तस्वीरें आ रही, किस तरीके से लोग वहां पर ईद का त्योहार मना रहे हैं? देखिए कीर्ति, अगर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ के अंदर ये भाईचारे के त्योहार को बड़े अमन चैन के साथ मनाया जा रहा है। सभी मुस्लिम भाई गले मिलकर के एक दूसरे को ईद की बधाई दे रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन की बात की जाए, हाई कोर्ट के निर्देश की बात की जाए तो उसको लेकर के जिस तरह से रोडों पर नमाज को लेकर के एक निर्देश जारी हुआ था कि रोड पर किसी भी तरह से नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, तो उसी को लेकर के मेरठ पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हासिल लगी है। ईदगाहों के बाहर और जो अपनी लोकल मस्जिद होती है वहां पर ही लोगों ने नमाज पढ़ी है। किसी भी तरह की रोड पर किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई नमाज नहीं पढ़ी गई है। मेरठ पुलिस प्रशासन ने लगातार मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ बैठकर के वार्ता करने के बाद निर्णय लिया था कि किसी भी तरह से कोई भी जो रोड है रोड पर बैठकर के ईदगाह के बाहर नमाज नहीं पढ़ेगा, तो यहां पर बड़ी सफलता हासिल लगी है। साथ साथ सबसे बड़ी बात यह मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ लगातार जिला अधिकारी की बात की जाए या फिर SSP की बात की जाए, क्षेत्र अधिकारी की बात की जाए, तो हर अधिकारी ने अपने लोकल लेवल पर लोगों के साथ वार्ता करने के बाद इस आदेश को लेकर के जो लोगों को बताया और वो कहीं ना कहीं आदेश का पालन करते हुए लोग नजर आए। मेरठ के अंदर शांतिपूर्वक तरीके से अभी तक ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। मैं दिखाना चाहूंगा इस समय मेन मार्केट घंटा घर पर मौजूद हूं जहां पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। साथ ही जो मुस्लिम भाई हैं एक दूसरे से गले मिलकर और ईद की बधाई दे रहे हैं लगातार देखा जाए। आज परशुराम जयंती। ठीक है अतुल, आप हमारे साथ बने रहिए, नीलेश आप भी बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे।